यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमो नारायण जी, मैं डॉक्टर नारायण आचार्य। मित्रों, बात करेंगे कि पति के विषय के ऊपर, पति और पत्नी के प्रेम के ऊपर। बहुत सारे पत्नियों की शिकायतें आती हैं कि नारायण जी, मेरे पति मेरी बात ही नहीं मानते, मैं इतना प्रेम करती हूँ, सब कुछ देती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पति मुझे प्रेम नहीं करते। हर तरीके से उनकी सेवा करती हूँ, फिर भी मेरे पति खुश नहीं होते। अगर आपके साथ भी ऐसी परेशानी है तो आज मैं एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ। इस उपाय को सच्चे मन से कीजिएगा। एक इतना जबरदस्त मंत्र है, इस मंत्र का आपने जप करना है और इस मंत्र को इस विधि से करना है जो मैं बता रहा हूँ। आप देखिएगा कि आपके पति आपकी बात मानने लग जाएंगे। कंट्रोल से यदि बाहर हैं आपके पति तो ये उपाय कीजिएगा, जरूर लाभ मिलेगा। पति यदि गलत संगति में जा रहे हैं, गलत इंसानों के साथ में संबंध बना रहे हैं, गलत इंसान के पीछे जुड़े हुए हैं, तब भी आप ये उपाय कीजिएगा, आपको जरूर लाभ मिलेगा। बस करना क्या है, सच्चे मन और सच्ची आत्मा से करना है, विश्वास के साथ करना है, रिजल्ट मिलता ही मिलता है, ईश्वर की बड़ी कृपा है। देवी जी, बात करेंगे, मोती शंख लेना है आपने, एक मोती शंख लेना है और आपने केसर से थाली के अंदर स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक के ऊपर थोड़े चावल रखने, साबुत चावल के दाने, और साबुत चावल के दाने रखने के बाद मोती शंख आपने वहां पर स्थापित करना है और भगवान से प्रार्थना करते हुए कि हे भगवान, जो आज मैं ये पूजा करने जा रही हूं, इससे मेरे और मेरे पति के बीच में प्रेम की वृद्धि हो। अगर ऐसा आप सच्चे मन से प्रेयर करके करती हैं, आपके पति आपके बिल्कुल पास आएंगे, आपकी पूजा सफल होगी। और आपने मोती शंख स्वास्थ्य के ऊपर रखने के बाद में इत्र थोड़ा छिड़कना है और देसी गाय के घी का दीपक जलाना है, खुशबू इत्र छिड़कनी है, धूप दीप जलाना है और आपने सफेद रंग के पुष्प आपने चढ़ाने हैं मोती शंख के ऊपर। इसके बाद आपने एक स्फटिक की माला लेनी है और स्फटिक की माला से एक मंत्र का आपने पाठ पढ़ना है। इस मंत्र को अगर आपकी स्क्रीन पर यह मंत्र आ रहा है, इस मंत्र को याद कर लेना है। इस मंत्र को याद करने के पश्चात आपने इसकी एक माला आपने रोज फेरनी है। ऐसा आपने 21 दिन लगातार करना है। इस उपाय से आपको इतना ज्यादा लाभ मिलेगा कि आप सोच नहीं सकते। मंत्र है ओम क्रीम मम पतिम मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम क्रीम मम पतिम मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र की आपने एक माला रोजाना करनी शुरू कर देनी है। रोज करेंगे और करने के पश्चात, ये सुबह के समय में करना है, करने के पश्चात आपने थोड़ा सा आपने क्या करना है, मीठी चीजें खानी है। मीठा जैसे आपने बर्फी होगी, सफेद रंग की कोई मावे की बर्फी होगी, सफेद चीनी के दाने हो गए, या सफेद रंग का कुछ भी दही या दूध हो गया, कुछ ना कुछ सफेद चीज आपने रोजाना लेनी है और ये सुबह के समय में ही करना होता है। और आप कीजिएगा, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। और कोई वहम नहीं करना, बस जो आपके पीरियड्स आते हैं, जो डेट आई होती है, जो जब अशुद्धि का समय रहता है, उस समय में आपने ये पूजा नहीं करनी होती। बाकी कोई भी आप 21 दिन का समय ले सकते हैं और शुक्ल पक्ष में आपने शुरुआत करनी है। शुक्ल पक्ष के अगर शुक्रवार के दिन करेंगे तो आपको और ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे।